दोस्तों, मौसम चेंज हो गए हैं और गर्मियाँ भी तेज पड़ने लगी हैं। तो ऐसे में अगर हम हरी धनिया मार्केट से खरीद कर लाते हैं और आधे घंटे भी हम उसे बाहर ऐसे ही रखते हैं, छोड़ते हैं, तो वो एकदम से सूखने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी हरी धनिया तो बाहर तो रहेंगे ही, लेकिन वो हफ्ते भर जो है सूखेंगे नहीं, बिल्कुल हरे भरे रहेंगे। ये देखिए, ये 2 दिन पहले मैंने इसे इस पानी में डाला है और नीचे भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें क्या डाला है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी और पानी में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और इस नमक को डालकर मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया है। और घोलने के बाद हरी धनिया की जो गड्ढी है ना, उसे मैंने खोल लिया है, और खोलने के बाद है उसकी जड़ को जो है उस पानी में डुबो दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि 2 दिन पहले से मैंने इसमें धनिया रखा हुआ था और वो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा था। तो आप ऐसे करके कम से कम 5 से 6 दिन जो है आप अपनी हरी धनिया को बिल्कुल फ्रेश ताज़ा बनाकर रख सकते हैं। और जब भी कोई सब्ज़ी बनानी हो या चटनी बनानी हो, जो भी बनाना हो आपको, आप इसमें से निकालिए, धोइए और तुरंत बना लीजिए। बस आपको ध्यान यही रखना है कि 2 दिनों के बाद आपको इसका पानी चेंज कर देना है ताकि इसमें से जो है स्मेल किसी तरह की ना आए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हरी धनिया को आप कैसे स्टोर करें, कैसे हफ्ते भर तक जो है एकदम फ्रेश बनाकर रखें। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक आपको हरी धनिया को अपने पास में स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मार्केट से ढेर सारी हरी धनिया खरीद कर ले आएँ और उसके पत्तों को तोड़कर इस तरीके से रख लें। तो ये जो मैंने हरी धनिया ली है उसे पहले से ही धो लिया है, और धोने के बाद मैं इसकी पत्तियों को एक एक करके तोड़ रही हूँ और इसकी डंडियों को मैं अलग करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी धनिया के पत्तों को तोड़ लिया है। ये देखिए, थाली जो है हमारी भर चुकी है। तो इसे फैला करके हम 1 से 2 दिन तक जो है सूखने के लिए रख देंगे। धूप जो है वो तेज पड़ रही है, तो 2 दिन की धूप जो है बहुत है हरी धनिया को सूखने के लिए। तो ये देखिए, 1 दिन की धूप में ये इतने सूखे हैं और दूसरे दिन की धूप में ये बिल्कुल एकदम बढ़िया से सूख चुके हैं। ये देखिए, इसमें से आवाज़ भी आ रही है। तो अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रख देंगे। 1.5-2 महीने तक इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। और जब भी हमें नींबू पानी पीना हो या फिर सत्तू पीना हो, तो हाथों से मसलकर उसके ऊपर हम इसे डालेंगे। टेस्ट तो बढ़ेगा ही, हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। और हाँ, किसी सब्जी के ऊपर भी हम इसे डालकर अब सब्जी का स्वाद जो है बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों, मार्केट में 2 तरह की मेथी मिलती है, एक कसूरी मेथी मिलती है और दूसरी जो है नॉर्मल मेथी मिलती है, जिसकी कि हम सब्जियां बनाकर खाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अभी कसूरी मेथी ली हुई है। मार्केट में जो सूखी कसूरी मेथी मिलती है ना, जो महंगे दामों पर, वो यही कसूरी मेथी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसे बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी वाली कसूरी मेथी ले ली है और इसकी जो है पत्तियाँ हैं उसको भी मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ। ये देखिए, इसकी जो डंडियाँ हैं वो बिल्कुल नरम है, लेकिन डंडियों को मैं यहाँ पे हटा दे रही हूँ। आप चाहे तो इसकी डंडियाँ भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारी पत्तियों को तोड़ ले रही हूँ। आप चाहे तो इस कसूरी मेथी की सब्जी भी बनाकर खा सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कड़वापन नहीं होता है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी भी। तो यहाँ पर मैंने सारे कसूरी मेथी की पत्तियों को एक एक करके तोड़ लिया है। दोस्तों, इसे मैंने पहले से ही धो लिया था, इसलिए मुझे अब इसे धोने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नॉर्मल जो मेथी के पत्ते आते हैं, जिनकी हम सब्जियाँ बनाकर खाते हैं। तो इस नॉर्मल मेथी के पत्तों को भी हम इस तरीके से खोल लेते हैं। जब सर्दियों का मौसम होता है तो मेथी आलू, मेथी मलाई मटर और ना जाने कितनी तरह की सब्जियाँ हम मेथी के साथ में बनाते हैं। लेकिन जब गर्मी आती है तो इस तरह से हरी मेथी तो मिलना बंद हो जाती है। तो हमें करना क्या है कि गर्मियों में भी हम मेथी की सब्जी खा सकें, इसके लिए हमें इसे भी स्टोर करके रखना है। तो इसे भी स्टोर करने का तरीका वही है जो हमने हरी धनिया के साथ की थी। तो इसकी भी पत्तियों को मैं ऐसे ही एक एक करके तोड़ लूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारी पत्तियों को जो है साफ़ कर लिया है। इसे भी मैंने पहले से ही धो लिया था। और देखिए, इसमें फूल भी आ रहे हैं, मतलब अब मेथी मिलना जो है बंद हो जाएंगे। तो इन दोनों पत्तियों को, कसूरी मेथी और नॉर्मल जो मेथी आती है, इन दोनों को मैंने इस तरीके से धूप में फैला करके रख दिया है ताकि ये सूख जाएं। अब कसूरी मेथी तो हमारे हमेशा यूज़ आने वाली, जैसे दाल मखनी बनानी हो या पनीर की कोई भी आइटम बनानी हो तो उसमें हम कसूरी मेथी तो ज़रूर डालते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे घर में ही जो है कसूरी मेथी हम तैयार कर लेंगे, हमें मार्केट से महंगे दामों में खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारी कसूरी मेथी है, इसकी जो थोड़ी डंडियाँ जो है ना
वो एकदम से सूखी नहीं है, मतलब 2 से 3 दिन तो कम से कम लग जाते हैं इसे सूखने में, और सूखने के बाद जो है आपको 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने जो है आराम से चलने वाले हैं, फिर ना तो ये ख़राब होने वाले हैं और ना ही इसमें किसी तरीके की स्मेल आने वाली है। तो ये देखिए मेरे 3-4 दिन जो है लग गए सूखने में और बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब मैं इसे जो है डब्बे में डालकर स्टोर करके रख लूँगी, और कभी भी कोई भी हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो कभी दाल मखनी बननी हो या पनीर की कोई आइटम बननी हो तो उसमें हम इसे डालकर अपनी सब्जी को और भी टेस्टी जो है बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी नॉर्मल वाली मेथी है जिसकी हम सब्जियाँ बनाकर खाते हैं, तो इसे भी मतलब 3 से 4 दिन लग गए हैं सूखने में और ये भी सूख चुकी है अच्छे से, और इसे भी मैं जो है डब्बे में डालकर स्टोर करके रख लूँगी। और मैं इसकी आपको सब्जी थोड़ी सी बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, हींग डाल दिया, कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, अदरक और लहसुन को मैंने क्रश करके डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसे चला लूँगी, चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर, इसे भी मैं चला लूँगी। चलाने के बाद जो है मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, इन तीनों को डालकर मैंने इसे चला दिया अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी के वो सूखे हुए पत्ते जिसे मैंने सुखाकर रखा हुआ था। इसे डालने के बाद हम एक बार चला लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद ढक करके हम तब तक पका लेंगे जब तक कि हमारा आलू जो है अच्छे से नहीं पक जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है ताकि इसका जो कलर है ना वो एकदम अच्छा आए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि गर्मी है तो हम मेथी नहीं खा सकते, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए गर्मियों में मेथी का पानी पीने की भी सलाह दी जाती है आयुर्वेद में। तो आप भी इन सारे टिप्स को फॉलो करिए और अपनी डेली लाइफ को और भी आसान बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।